Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In this tutorial, I will discuss how to connect Node MCU with an IoT platform, for example Blink, and we will also discuss the AT commands of ESP8266. So we will start with ESP8266 operating Wi-Fi modes. So ESP8266 can operate in three modes: station mode, soft access point mode, and station and soft access point both modes. So there are three modes: teen modes and station mode, soft access point mode, or jo teesra hai, the third one is the combination of both these two modes. So in station mode, so let's discuss what is the station mode. The ESP266 that connects to an existing Wi-Fi network, one created by your wireless router, is called station. तो ये जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है जो आप मोडेम या वायरलेस राउटर यूज कर रहे हैं, तो व्हेन ईएसपी कनेक्ट टू दैट नेटवर्क, जस्ट लाइक ए स्मार्टफोन कनेक्ट टू इट और योर लैपटॉप कनेक्ट टू इट, देन द ईएसपी व्हेन द ईएसपी कनेक्ट टू द एग्जिस्टिंग वाईफाई नेटवर्क, देन द ईएसपी 8266 इज सेड टू बी ऑपरेटिंग इन स्टेशन मोड. इस मोड में ये हम बोलते हैं कि ये स्टेशन मोड में काम कर रहा है. तो इसमें क्या होगा, इन स्टेशन मोड ESP8266 गेट्स आईपी फ्रॉम वायरलेस राउटर टू व्हिच इट इज कनेक्टेड विद दिस आईपी एड्रेसेस कैन सेट अप वेब सर्वर एंड डिलीवर वेब पेजेस टू ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेस अंडर एग्जिस्टिंग वाईफाई नेटवर्क. तो इस केस में ये वायरलेस राउटर से आईपी लेगा जिससे ये कनेक्ट हो जाएगा, जिस तरह हर एक डिवाइस को एक आईपी असाइन हो जाता है, और इस आईपी के थ्रू फिर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं. और ये इसको, अगर हम इसको वेब सर्वर बनाएं प्रोग्रामिंग करके, तो ये एक वेब सर्वर की तरह बिहेव करेगा, और जब हम कमांड्स देंगे तो ये वेब पेजेस हमें डिलीवर करेगा. तो आप इसको अपने इंटरनेट से भी ओपन कर सकते हैं, इसका एड्रेस देके इसकी वो प्रोग्रामिंग जो है वो HTML में भी हम कर सकते हैं, और उसमें PHP स्क्रिप्ट्स भी होते हैं. तो वो बेसिक लेवल की थोड़ी सी प्रोग्रामिंग है उस केस में. स्टेशन मोड में क्या है, दिस इज द वायरलेस राउटर एंड दीज आर डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड टू दिस वायरलेस राउटर. एंड सिमिलरली एन ESP8266 मॉड्यूल कैन ऑल्सो कनेक्ट टू इट. So here we have shown Node MCU server. We have connected the ESP8266 in station mode to this router, और इसको फिर हमने programming करके एक server बना दिया. Server का ये मतलब होता है कि आपकी web pages जो हैं वो हमने इस पर save किए हुए हैं, और कोई भी device इसका address देगा तो वो ये उसको फिर required information provide करेगा. For example, अगर मैं कोई भी जैसे एक वेबसाइट में ओपन करता हूँ, तो वो वेबसाइट किसी पीसी के ऊपर सेव होता है उसका डाटा, और मैं असल में उस पीसी के साथ कनेक्ट हो रहा होता हूँ, तो वो पीसी एक सर्वर की तरह बिहेव करता है, और मैं जिस लैपटॉप पे उसको ओपन कर रहा होता हूँ वो एक क्लाइंट की तरह. तो इस केस में हम इसको सर्वर या क्लाइंट जिस तरह भी डिक्लेयर करना है हम बना सकते हैं. तो ये वैसे एक एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर आपने इसको सर्वर बना रहा है, आप बेशक इसको क्लाइंट बना लेंगे, ये डाटा किसी और वेबसाइट का एक्सेस करे और ख़ुद प्रोवाइड ना करे, ठीक है. तो ये सर्वर भी बन सकता है, क्लाइंट भी बन सकता है, ये डिपेंड करता है आपने प्रोग्रामिंग क्या करनी है. नेक्स्ट मोड इज सॉफ्ट एक्सेस पॉइंट मोड. द ESP8266 दैट क्रिएट्स इट्स ओन वाईफाई नेटवर्क एंड एक्ट्स एज ए हब, जस्ट लाइक वाईफाई राउटर फॉर वन और मोर स्टेशंस इज कॉल्ड एक्सेस पॉइंट. अनलाइक वाईफाई राउटर, इट डज नॉट हैव interface to a wired network, so such model of operation is soft access point. Also, the maximum number of stations that can connect to it is limited to 5. In access point mode, ESP8266 creates a new Wi-Fi network and sets service set identifier, name of the network, and IP address to it.
with this IP address, in it can deliver web pages to all the connected devices under its own network. तो एक दूसरा ऑप्शन क्या है कि ESP8266 अपना वाईफाई नेटवर्क जो है वो खुद क्रिएट करे और किसी भी दूसरे वायर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्ट ना हो, जिस तरह आप लोगों का राउटर होता है. मतलब ये कि आपने अगर इसको सॉफ्ट एक्सेस पॉइंट में बना कॉन्फ़िगर किया, तो एक इसको आपने आईपी असाइन करना है और फिर इसका एक SSID सर्विस सेट आइडेंटिफायर, जो हमारा फॉर एग्जांपल वाईफाई का नाम होता है, वो उसका रखना है, और उसका फिर पासवर्ड होगा. तो दूसरे डिवाइसेस वो आईडी और पासवर्ड यूज़ करके इससे कनेक्ट होंगे, और फिर आगे हमारी मर्जी है कि हम इसको अगर सर्वर बना देते हैं तो वो फिर जो भी इसको रिक्वेस्ट करेंगे वेब पेज वगैरह की, तो ये उसको उनको डिलीवर करेगा. तो वेब पेजेस की हमने प्रोग्रामिंग इसकी मेमोरी में की हुई होगी. तो ये डिपेंड करता है कि वो, ये तो एग्जांपल है बस, एक वेब पेजेस या सर्वर बना रहे हैं, ये एग्जांपल है. ये आगे वो किस तरह हम उसको यूज़ करेंगे वो हमारी मर्जी है. तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब सॉफ्ट एक्सेस पॉइंट में हम इसको यूज़ करते हैं, देन ESP8266 क्रिएट्स इट्स ओन वाईफाई नेटवर्क. फिर ये राउटर वगैरह की ज़रूरत नहीं इसको होती है, ये खुद सिग्नल्स देता है वाईफाई के. इसका एक आईपी एड्रेस होता है और दूसरे डिवाइसेस फिर इससे कनेक्ट होते हैं आके, और ये फिर उनका जो भी वो अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ भी डाटा की, तो ये उनको प्रोवाइड करेगा. वो डिपेंड करता है हमने किस तरह प्रोग्राम किया और हमने क्या क्या बनाया. तो ये इसमें एग्जाम्पल फिर सर्वर की दी हुई है, क्योंकि ये जिस वेबसाइट से इमेजेस लिए हैं उसने एग्जाम्पल बनाई हुई है सर्वर की, तो इसलिए ये हर जगह पे सर्वर की तरह कर. तो इसमें एक दूसरा, अच्छा अभी यहाँ पे अब हमने इसको कनेक्ट किया इन सॉफ्ट एक्सेस पॉइंट मोड, और मोबाइल भी इससे कनेक्ट हो सकता है, टैबलेट भी, पीसी, लैपटॉप भी, और इसी तरह एक और नोड एमसीयू जिसको आपने क्लाइंट बनाया हुआ है वो भी इससे कनेक्ट हो सकता है. ठीक है, तो ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, आपकी जैसे मर्जी है तो उसमें आप इसको करें. और एक तीसरा मोड है जिसमें ये दोनों तरह सॉफ्ट एक्सेस पॉइंट भी हो जाता है और ये स्टेशन मोड में भी काम करता है. तो समरी ये है कि ESP को आप तीन मोड्स में वाईफाई में ऑपरेट करवा सकते हैं. इन स्टेशन मोड, व्हेन दिस ESP8266 कनेक्ट्स टू एन एग्जिस्टिंग वाईफाई नेटवर्क एंड कैन एक्ट एज क्लाइंट और सर्वर, व्हाटएवर इज द प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड. एंड इन नेक्स्ट मोड इट एक्ट्स एज ए सॉफ्ट एक्सेस पॉइंट. इसमें ये विदाउट एनी राउटर अपना वाईफाई खुद बनाता है, अपना वाईफाई नेटवर्क. एंड इन द थर्ड मोड इट कैन एक्ट बोथ एज ए स्टेशन एंड ए सॉफ्ट एक्सेस पॉइंट. तो थर्ड वाला मोड ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें दोनों ऑप्शंस में उसको कर देते हैं ऑन, और उसके बाद देखते हैं प्रोग्राम जिस तरह मर्जी उसको कर लेते हैं. अब नेक्स्ट जो है कि हमने इसको किसी क्लाउड के साथ कनेक्ट करना है, या IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं नोड MCU. और नोड MCU आपको पता है कि दिस इज़ ए डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ ESP8266. ठीक है, ये नोड MCU जो ESP मैंने 12 भी यूज़ किया था, ये वाला डेवलपमेंट बोर्ड हम यूज़ करेंगे और इसको ब्लिंक के साथ. तो एक ऑप्शन ये होता है कि आप नोड MCU के साथ Arduino UNO या Arduino Mega या कोई भी माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करें, मगर क्योंकि अभी नोड MCU और इस तरह के जितने भी नए माइक्रो कंट्रोलर्स आ रहे हैं विद बिल्ट इन ESP8266 एंड वाईफाई कनेक्टिविटी, दोज मॉडल्स हैव हायर स्पीड्स एज कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द Arduino वर्जन्स अवेलेबल इन द मार्केट. तो ये जो बोर्ड्स हैं ना, दीज बोर्ड्स विल रिप्लेस Arduino इन मैनी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट्स. तो अभी सब लोग ये कह रहे हैं कि ये Arduino को क्योंकि रिप्लेस कर रहा है और ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें GPIOs भी हैं, इसमें PWM सिग्नल्स भी हैं, तो इसलिए ज़्यादातर हम यू नहीं यूज़ कर रहे होते हैं कि Arduino भी यूज़ करें और इसको भी. स्टार्ट में जब Arduino आया था ना, तो ESP8266 का बेसिक मॉडल हम उसके साथ लगाते थे, क्योंकि उस बेसिक मॉडल की GPIOs कम थी, हमें Arduino की ज़रूरत पड़ती थी एक्स्ट्रा पिन यूज़ करने के लिए. अभी इन मॉडल्स में क्योंकि ऑलरेडी पिन हैं
और स्पीड भी है, तो इसमें आर्डुइनो की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर अगर आपने ज़रूरी आर्डुइनो को इसके साथ कनेक्ट करना है, तो आप आर्डुइनो से सीरियली इसके साथ आर्डुइनो को इंटरफेस कर सकते हैं और बाकी रिक्वायर्ड कोडिंग जो है वो इसमें डाल सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी आर्डुइनो और इसका इंटरफेस ओवर यूआर्ट करें और फिर उसको प्रोग्राम करें। तो अभी मैं इसको सिंपल नोड एमसीयू के थ्रू और एक ब्लिंक आईओटी प्लेटफॉर्म है इसको यूज़ करते हुए हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं। सो ब्लिंक इज ए प्लेटफॉर्म विद आईओएस एंड्रॉयड एप्स टू कंट्रोल आर्डुइनो रास्पबेरी पाई एंड द लाइक्स ओवर द इंटरनेट। इट्स ए डिजिटल डैशबोर्ड वेयर यू कैन बिल्ड अ ग्राफिक इंटरफेस फॉर योर प्रोजेक्ट बाई सिंपली ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग विजेट्स। तो ये बिल्कुल एक ऐप, इसका एक सर्वर होता है, एक ऐप आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लें और फिर इसकी एग्जाम्पल्स भी हैं, इसकी लाइब्रेरीज भी हैं आर्डुइनो के लिए और डिफरेंट एम्बेडेड प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो ये ब्लिंक की काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो सारी एग्जाम्पल्स हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करके एग्जाम्पल्स रन करनी है और मोबाइल ऐप जो है उस पर विजेट्स खुद ये बना देता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, एक थिंक स्पीक भी है और इस तरह और भी हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से हमारी आईओटी प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। डाउनलोड ब्लिंक ऐप फॉर स्मार्टफोन्स। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डाउनलोड द ब्लिंक ऐप फॉर योर फोन एंड फॉर ब्रिंक ब्लिंक ऐप फॉर ब्लिंक लाइब्रेरीज फॉर आर्डुइनो। ये मैंने लिंक दिया हुआ है help.blink.cc, और ये एक आर्टिकल है जिसमें कि वो बताता है कि ब्लिंक में किस तरह आपने ये लाइब्रेरीज जो हैं वो इंस्टॉल करनी है। तो इसने डिफरेंट जो है ना वो आगे इसके बताए हुए तरीके कि आपने किस तरह इंस्टॉल करनी है, ये ओपन हो गया। ठीक है, तो इसमें देर आर थ्री वेज टू इंस्टॉल ब्लिंक लाइब्रेरी फॉर आर्डुइनो आई। आप बिल्ट इन लाइब्रेरी मैनेजर, यू कैन यूज द बिल्ट इन लाइब्रेरी मैनेजर इन आर्डुइनो आई डी इंस्टॉल, और यू कैन यूज द जिप फाइल्स, और यू कैन यूज ए गिट हब रिपोजिटरी। तो ये एक दफ़ा इसको देख लेना, इसमें सारा इसने मेथड दिए हुए हैं, सिंपल जिप फाइल्स भी दी हुई हैं लाइब्रेरी की, आपकी मर्ज़ी है जिस तरह मर्जी इंस्टॉल कर लें। तो ये ब्लिंक आप लोग लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल कर लें, और इसके अलावा एक और लिंक मैंने दिया हुआ है जिसमें ये मैनुअल खुद आप मैनुअली इंस्टॉल करते हैं। तो ये लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल करनी है, और होगा फिर क्या कि ये ब्लिंक ऐप है जो आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल कर ली, उसके बाद दिस ब्लिंक ऐप विल कम्युनिकेट विद अ ब्लिंक सर्वर। ये ब्लिंक सर्वर है जिसको हम ब्लिंक क्लाउड भी बोल रहे होते हैं, और फिर हमारा आर्डुइनो जो है उसके ऊपर लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल की हुई हैं आर्डुइनो आईडीई पे, और उस आर्डुइनो आईडीई के थ्रू हम नोड एमसीयू को प्रोग्राम करेंगे या ESP8266 का कोई बेसिक मॉडल प्रोग्राम करेंगे या आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग आर्डुइनो यूनो वगैरह की करते हैं। अब होता क्या है कि ये मोबाइल जो है इस सर्वर के थ्रू आपके डिवाइस से कम्युनिकेट करता है, मतलब योर नोड एमसीयू इज कनेक्टेड टू द ब्लिंक सर्वर, द मोबाइल इज आल्सो और सेल फोन इज आल्सो कनेक्टेड टू द ब्लिंक सर्वर वाया ब्लिंक ऐप, एंड नाउ द ब्लिंक ऐप विल कम्युनिकेट विद द नोड एमसीयू वाया दिस ब्लिंक सर्वर। तो इस ब्लिंक ऐप ने जो इस सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाती है, आपका नोड एमसीयू भी सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है थ्रू इंटरनेट, और ये फिर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। तो इस केस में जो हमारा नोड एमसीयू है, दिस नोड एमसीयू विल एक्ट एज ए वाईफाई स्टेशन। ठीक है, तो विल एक्ट इन द स्टेशन मोड। ये वाईफाई एग्जिस्टिंग आपका जो इंटरनेट है उससे कनेक्ट होगा और ये स्टेशन मोड में काम करता है जो हमने अभी एग्जाम्पल दिया इसमें। अच्छा, अभी हम एग्जाम्पल में करते क्या है, सिंपल आपने करना क्या है कि इसका नाम हमने रख दिया स्विच प्रेस्ड नोटिफिकेशन प्रोग्राम, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट ऑन ब्लिंक ऐप। ये मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, यहाँ पे ब्लिंक ऐप जो आपका
आपके सेल फोन में जो ब्लिंक ऐप है, जो आपने डाउनलोड करके अपने सेल फोन में इंस्टॉल कर ली फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर फॉर एंड्रॉयड, तो इसका नाम आपने एक नया प्रोजेक्ट रखना है, उसमें नाम आप रखते हैं उस प्रोजेक्ट का स्विच, या कोई भी नाम अपनी मर्जी से रख लें। उसके बाद सेलेक्ट नोड एमसीयू एज हार्डवेयर मॉड्यूल, कॉपी द ऑथेंटिकेशन टोकन टू बी यूज्ड इन द कोड, यू कैन सेंड इट टू योर ईमेल। तो आपको वो ईमेल के ऊपर सेंड करेगा एक ऑथेंटिकेशन टोकन, आप उसको ईमेल एड्रेस अपना देंगे और वो फिर ऑथेंटिकेशन टोकन आपको यूज़ करना होगा। इंक्लूड्स ए पुश नोटिफिकेशन विजिट, प्रेस प्ले द ट्राइंगल एट राइट अपर कॉर्नर, ऑफ कोर्स द ब्लिंक ऐप विल टेल यू दैट द नोड एमसीयू इज ऑफलाइन। तो अभी क्या होगा कि उसमें आपने एक पुश नोटिफिकेशन विजेट को यूज़ करना है, वो आप जब ओपन करेंगे ऐप तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आपने सेलेक्ट करना होगा। विजेट्स हम खुद उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑन ऑफ विजेट भी, स्विच को प्रेस करने के लिए भी विजेट हो जाती है, एलईडी ऑन ऑफ करने के लिए भी। इसके अलावा पुश नोटिफिकेशन विजेट भी है। ये आप इस ऐप को एक दफ़ा देखें या उसका ट्यूटोरियल लें तो आपको वो वहाँ से सब कुछ पता चल जाएगा। और आपने ये पुश नोटिफिकेशन विजेट यूज़ करना है, प्रेस करेंगे प्ले का बटन तो अभी नहीं करेगा क्योंकि नोड एमसीयू ऑफलाइन। जब आपने अपलोड कर दिया कोड नोड एमसीयू के ऊपर यूजिंग आर्डुइनो आईडी, तो वो कनेक्ट हो जाएगा और फिर ये ब्लिंक उससे कम्युनिकेट करेगा। तो ये कोड है, ये हमने ब्लिंक की एग्जाम्पल ली है, और ब्लिंक की एग्जाम्पल्स देर आर मैनी एग्जाम्पल्स अवेलेबल फॉर डिफरेंट डिवाइसेज। ये इन्होंने खुद एग्जाम्पल्स जो है वो प्रोग्रामिंग करके इंटरनेट के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोड ना मिले, ये बहुत ज़्यादा कोड्स अवेलेबल हैं। तो इसमें इसने क्या किया, लाइब्रेरीज इंक्लूड की, ESP8266 wifi.h डिफाइन ब्लिंक अंडरस्कोर प्रिंट सीरियल। ये क्या करता है, जब आपने ये स्टेटमेंट यूज़ की तो जब आप ब्लिंक को कनेक्ट करते हैं तो ये सीरियल मॉनिटर पे अपना एक लोगो प्रिंट कर देता है, कुछ इंफॉर्मेशन देता है कि इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है और किस तरह हो रहा है। तो अगर आपने ये नहीं यूज़ करना है तो आप इस स्टेटमेंट को बेशक यूज़ ना करें, वैसे यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सीरियल प्रिंट मॉनिटर जो आर्डुइनो आईडी के अंदर है उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नजर आएगी। इंक्लूड ब्लिंक सिंपल ESP8266.h, दिस इज अनदर हेडर फाइल, करेक्टर स्पेस ऑथ, ये अरे हमने डिफाइन कर दी करेक्टर्स की। इसमें आप लोगों ने अपना वो ऑथेंटिकेशन कोड लिखना है जो आपको ईमेल पे आया, या प्रोजेक्ट की सेटिंग से भी वो कोड मिल जाता है। करेक्टर SSID, ये वो वाईफाई का जो आपका SSID है। करेक्टर पास, योर पासवर्ड जो वाईफाई का पासवर्ड है। डिफाइन LED पिन, D7 का नाम हमने रख दिया यहाँ पे, पिन D7 का हमने नाम रख दिया LED पिन। डिफाइन SW पिन, D1 पिन का नाम रख दिया SW पिन। तो आप ये D1 यूज़ कर लें, ये भी ठीक है, या फिर आप जैसे आर्डुइनो में हम यूज़ करते थे 13 और इस तरह के नंबर्स, तो ये आर्डुइनो IDE के अंदर हम नोड MCU या ESP8266 के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। ये आर्डुइनो यूनो या आर्डुइनो मेगा के लिए नहीं लिख रहे हैं, ये आर्डुइनो IDE के अंदर ESP8266 के लिए लिख रहे हैं, नोड MCU के लिए। तो ये मैंने दो पिन्स का नाम डिफाइन करके रख दिया कि अब LED पिन जब भी हम प्रोग्राम में लिखेंगे तो वो पिन D7 एक्सेस हो रही होगी, और जब SW पिन लिखेंगे तो D1 एक्सेस हो रही होगी। तो आप लोगों ने डिफाइन स्विच पिन SW पिन D1, D1 के साथ एक ऐसा स्विच कनेक्ट करें व्हेन इन सच अ वे, कनेक्ट ए स्विच इन सच अ वे दैट व्हेन द स्विच इज प्रेस्ड देन लॉजिक 1 अपीयर्स एट दिस पिन एंड व्हेन द स्विच इज रिलीज देन लॉजिक 0 अपीयर्स। तो ये आप लोगों ने खुद आप इस तरह कनेक्ट करना है। आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करते हैं, int space sw value, this is another variable that is declared, void space setup, इसके बाद setup का हमारा एक function आया, और ये आपको पता है कि setup और loop का क्या details हैं, ये हम already discuss कर चुके हैं। serial dot begin serial communication at 11.5200 baud rates, baud rate is established, ये इसको हमने स्टार्ट किया। डिले 10 मिलीसेकंड्स का डिले दिया। ब्लिंक डॉट बिगिन, ये ब्लिंक का अपना फंक्शन है, ब्लिंक का आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उससे हमने ये फंक्शन कॉल किया। ऑथ SSID पास, तो ये आपने तीन इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी स्टोर्ड करवाई हुई है ये इसको हमने पास कर दिया एज पैरामीटर्स। तो इसके बाद
पिन मोड एलईडी पिन आउटपुट डिक्लेयर कर दे, पिन मोड एसडब्ल्यू पिन इनपुट डिजिटल राइट एलईडी पिन लो। स्टार्ट में हमने एलईडी पिन को लो कर दिया, तो इस पिन के साथ जो हमने एलईडी पिन जिस पिन को बनाया इसके साथ एक एलईडी कनेक्ट कर दें। और इसके बाद वॉइड स्पेस लूप गेट एस डब्ल्यू वैल्यू, दिस इज ए फंक्शन कॉल, ब्लिंक डॉन रन, दिस इज अनदर फंक्शन कॉल। तो ये तो बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन है, गेट एस डब्ल्यू वैल्यू हमने खुद डिफाइन किया। तो ये गेट एस डब्ल्यू वैल्यू क्या करता है, एस डब्ल्यू वैल्यू इज इक्वल टू, एस डब्ल्यू वैल्यू इज इक्वल टू डिजिटल रीड एस डब्ल्यू पिन, ये पिन की वैल्यू रीड करे इफ एस डब्ल्यू वैल्यू, इफ दिस वैल्यू इज हाई, सीरियल डॉट प्रिंट एल एन एस स्विच प्रेस्ड, ब्लिंक डॉट नोटिफाई एस स्विच प्रेस्ड। तो अगर तो ये वैल्यू हाई है, मतलब स्विच किसी ने प्रेस किया है, तो वो क्या करेगा कि सीरियल डॉट प्रिंट एल एन के स्विच को प्रेस, स्विच प्रेस हुआ है, या आपके सीरियल मॉनिटर पे डिस्प्ले आ जाएगा जो आर्डुइनो आईडी का, और ब्लिंक डॉट नोटिफाई, और ये ब्लिंक के ऊपर भी एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा, ब्लिंक ऐप के ऊपर भी। और इसके बाद डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा स्विच वैल्यू, तो स्विच वैल्यू स्विच की जो भी वैल्यू है जो हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवाई, दैट वैल्यू विल बी मूव्ड ऑन टू एलईडी पिन, और ये एलईडी पिन पे अपीयर हो जाएगी। तो इसमें हमने ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है, इसको ये एग्जाम्पल है छोटी सी, उसको आप चेंज करके और भी एल्स वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। एल्स में मैं नहीं गया हूँ, वो आप खुद कर लें बाकी काम। तो इसमें अब क्या होगा कि वंस द कोड इज अपलोडेड एंड रनिंग, चेक द ब्लिंक ऐप, इट शुड बी नाउ ऑल्सो रनिंग, प्रेस द स्विच टू अप्लाई लॉजिक हाई एट पिन, नाउ यू मस्ट रिसीव अ मैसेज इन योर मोबाइल एज ब्लिंक नोटिफिकेशन, सो एज स्विच प्रेस्ड। तो ये आपके पास जो ब्लिंक की ऐप है उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी आप स्विच प्रेस करेंगे। तो ये सिंपल जो है हमने क्या किया कि ये कोड यूज़ किया और इसके थ्रू हमने किया, ये मैंने इसलिए कनेक्ट किया ताकि आप लोगों को जो टास्क भी दिया था कि आप लोग अपना वाईफाई मॉड्यूल यूज़ करके वाईफाई के थ्रू किसी वेबसाइट पे या किसी एप्लीकेशन पे डाटा या मैसेज प्रिंट करवाएं, तो वो ये उसका भी उसकी जगह भी ये यूज़ इस तरह भी हो सकता है। सम ब्लिंक फंक्शंस, ब्लिंक फंक्शंस कुछ जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, ब्लिंक डॉट कॉन्फिग फॉर सेटिंग द कनेक्शन डिटेल्स, ब्लिंक डॉट कनेक्ट फॉर इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन, ब्लिंक डॉट कनेक्टेड फॉर चेकिंग द कनेक्शन टू सर्वर, ब्लिंक डॉट रन फॉर मैनेजिंग ब्लिंक स्टफ, इफ ब्लिंक डॉट कनेक्ट वॉज नॉट कॉल्ड अर्लियर इट ट्राइज टू कनेक्ट एज वेल, ब्लिंक डॉट बिगिन इस्टेब्लिशेज नेटवर्क कनेक्शन, सेट्स अप ब्लिंक कनेक्शन डिटेल्स एंड ट्राइज टू कनेक्ट टू ब्लिंक सर्वर। तो ये वो फंक्शंस हैं जो हम ब्लिंक की एग्जाम्पल्स में यूज़ करते हैं, ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, आप लोगों को सिर्फ कॉल करना पड़ता है। और इसकी डिटेल्स बताई हुई है कि क्या क्या, कुछ कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं, कुछ कनेक्शन को चेक करते हैं, और कुछ फिर ब्लिंक के सर्वर से उसके उस पर नोटिफिकेशन देने के लिए और उससे कुछ कमांड्स लेने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रन, ठीक है। तो ये डिफरेंट ब्लिंक की और इसकी डिफरेंट रिसोर्सेज हैं ब्लिंक की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प अवेलेबल है। दिस इज़ द वेबसाइट फॉर ब्लिंक, स्लो, तो ये ब्लिंक की वेबसाइट है, इसमें डेवलपर्स के लिए, ठीक है, प्राइसिंग, केस स्टडीज, कंपनी, ये काफ़ी ज़्यादा, वी मेक इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिंपल फॉर योर कंपनी, ब्लिंक इज़ ए हार्डवेयर आईओटी प्लेटफॉर्म जो आर द मोस्ट पॉपुलर। अच्छा, इसमें ये आप लोग एक दफ़ा देख लेना सारी वेबसाइट कि ये क्या क्या है इसके ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। और इसके बाद ये आप लोग एक दफ़ा देख लें जो एग्जांपल्स मैंने आपसे कह रहा था, ये एग्जांपल्स हैं, इसमें ये आपके पास डिफरेंट बोर्ड्स भी आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये लोड नहीं हो रही है मेरे पास, शायद कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम है। तो आप लोग ये वेबसाइट ओपन करके इसकी एग्जांपल्स जो है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, और डिफरेंट बोर्ड्स के लिए, रेसबेरी पाई के लिए भी, नोड एमसीयू के लिए भी। तो ये आप लोगों को
शायद एक्सप्लोरर उसके साथ काम नहीं कर रहा था। तो यह अभी ESP8266 बोर्ड और इसके अलावा नोड MCU नीचे आ गया, ESP32 भी आ गए, VMOS भी आ गया, ये सारे रेसबेरी पाई आ गए, आर्डुइनो यूनो। तो ये डिफरेंट हैं और सब की एग्जांपल्स भी हैं, और कुछ जिसके ब्लूटूथ मॉड्यूल्स हैं उसके लिए भी हैं। तो ये सारे सारे कोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसी वजह से ये सारे मॉड्यूल्स जो हैं ये बैन कर दिए प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि इनके सब के कोड्स भी अवेलेबल होते हैं और सब कुछ। और ये एग्जांपल्स, ये वही वाली एग्जांपल जिस तरह की हमने की थी। तो ये आप लोग ये ज़रूर एक दफ़ा देखें। और इसके अलावा जो है वो इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि कुछ जगहों पे हमने खुद जाके देखना होता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट है जो ब्लिंक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इसमें सारी इसकी जो लो लेवल डिटेल्स हैं उसके बारे में ये दिया हुआ है। तो आप इसको वेबसाइट को देख लें एक दफ़ा, अभी कुछ कनेक्शन इश्यूज की वजह से शायद स्लो हुआ मेरे को। तो ये ब्लिंक ऐप, हाउ ब्लिंक वर्क्स, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके अलावा इसकी कम्युनिटी भी है जिसके ऊपर आप जाके क्वेश्चंस ज़्यादा सारे दे सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये आप लोग इसको एक दफ़ा देख लेना सारी डिटेल्स। इसके अलावा अनदर प्लेटफॉर्म्स इज थिंक स्पीक। थिंक स्पीक इज एन IoT एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म सर्विस दैट अलाउज यू टू एग्रीगेट, विजुअलाइज एंड एनालाइज लाइव डाटा स्ट्रीम्स इन द क्लाउड। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है और इसमें डिफरेंट सेंसर्स हम कनेक्ट करके उनकी स्ट्रीम ले सकते हैं। ये मैटलैब वगैरह के लिए हम बहुत यूज़ करते हैं। तो ये भी आप एक दफ़ा देख लें, अभी हम इसको इसमें नहीं डिस्कस करेंगे। अब मैं आता हूँ आर्डुइनो वाईफाई कनेक्टिविटी बाई यूजिंग बेसिक ESP8266, ESP01 वाईफाई मॉड्यूल एंड AT कमांड्स। तो ये एक ESP8266 जो बेसिक मॉडल जो एक्सप्रेसिव कंपनी ने बनाया था, उसके बाद एक ESP-01 इसी के करीब तरीन मॉडल जो बेसिक था, क्लासिक इसको बोलते हैं। ये ESP-01 था, ये AI थिंकर्स ने बनाया था। तो अभी हम ज़रा ये मार्केट, क्योंकि ये मॉडल मार्केट में अवेलेबल है, तो हम ज़रा अभी देखते हैं कि इसके साथ क्या है। तो दिस इज़ द बेसिक मॉडल एंड विद 8 पिन्स, ठीक है। इसकी 8 पिन्स हैं, बेसिक मॉडल है, ये डेवलपमेंट बोर्ड नहीं है, दिस इज़ नॉट ए डेवलपमेंट बोर्ड। इसके ऊपर अगर आपने डेवलपमेंट करनी है ये ESP01 पे, तो आपको खुद कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं। ये ESP-01 इज़ ग्राउंड GPIO-1, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इट सीरियल ट्रांसमिशन पिन GPIO-2 जनरल पर्पज़ IO, चैनल पावर डाउन मोड, एक्टिव हाई इनेबल चिप। इसको आपने VCC के साथ कनेक्ट करना होता है ताकि इनेबल करें चिप को। GPIO-0 ये जनरल पर्पज़ IO पिन है, ये सीरियल प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज़ होती है, मोड इफ लो वाइल रीसेट ऑन पावर ऑन। तो सीरियल प्रोग्रामिंग मोड में जब ये यूज़ लॉन्च सीरियल प्रोग्रामिंग मोड इफ लो, जब आपने इसको लो कर दिया वाइल रीसेट और पावर ऑन, तो रीसेट करते हुए इसको लो कर दिया तो ये सीरियल प्रोग्रामिंग वाले मोड में ले जाती है। रीसेट एक्टिव लो एक्सटर्नल रीसेट सिग्नल, जिस तरह पिक में भी एक्टिव लो सिग्नल है, इस तरह इसको हम पुल अप कर देते हैं। और अगर रीसेट करना हो तो जीरो अप्लाई कर देते हैं। GPIO-3 जनरल पर्पज़ IO सीरियल रिसेप्शन पिन है। VCC इज पावर सप्लाई। तो अब इसके जो बूट ऑप्शन है, जब आपने GPIO-0 और GPIO-2 को हाई हाई किया, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड है ये उसको चलाएगा जो उसकी रॉम में स्टोर्ड है। जब आपने GPIO को जीरो कर दिया और GPIO-2 को हाई कर दिया, तो ये UART मोड में आ जाएगा। और प्रोग्राम मोड इसको बोलते हैं, टू प्रोग्राम यूजिंग आर्डुइनो और एनी सीरियल कम्युनिकेशन। तो आर्डुइनो IDE के थ्रू आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। और नोड MCU में ये GPIO-0 पे ही वो फ्लैश का बटन जो था, तो इस वाले मोड को हम बोलते हैं फ्लैश, जिसमें प्रोग्राम इसकी फ्लैश रॉम में हम अपलोड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वैसे
इतना ज़्यादा अब क्योंकि यूज़ हो रहा ही नहीं है, अब डेवलपमेंट बोर्ड्स यूज़ होते हैं, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस वजह से एटी कमांड्स, एटी इज़ एन एब्रीवेशन फॉर अटेंशन आर द कमांड्स यूज टू कंट्रोल मोडेम्स। तो एटी एन एब्रीवेशन एब्रीवियशन फॉर अटेंशन आर द कमांड्स यूज टू कंट्रोल मोडेम्स। ESP01 supports all the AT commands of ESP8266. स्टार्ट में क्या हुआ था, जब हम मोडेम से कम्युनिकेट करते थे तो मोडेम्स को कमांड हम इस लैंग्वेज में देते थे, AT। हम पहले लिखते थे AT, वो सीरियली कम्युनिकेट जाता था मोडेम के पास और वो आगे से अपना रिस्पांस देता था, फॉर एग्जांपल ओके, उसके बाद मैं इसको AT प्लस करके कुछ करता था और ये रिस्पांस आगे से देता था। तो ये GSM मोडेम्स के साथ टू सेंड SMS और रिसीव SMS, टू कॉल AT कमांड्स आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एंड ऑपरेशंस। तो इनको हम जो डिफरेंट कमांड्स देते हैं टू ऑपरेट आर द AT कमांड्स, और ESP की भी AT कमांड्स है, और AT इंस्ट्रक्शन सेट इसका एक पूरा एक इंस्ट्रक्शन सेट है। सो दिस इज द ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन सेट है, दिस इज द एक्सप्रेसिव सिस्टम्स इंस्ट्रक्शन सेट। तो ये AT कमांड्स, अब ये पूरा जो है ना, ये वो AT कमांड्स हैं जो जिनकी डिटेल्स गिवन है, कि ये AT कमांड्स आप इसको UART के थ्रू ये स्ट्रिंग्स देंगे तो ये कुछ काम करेगा। कमांड्स इस तरह होती है, और ये टोटल जो है वो 68 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, और इसमें एक एक कमांड की लिस्ट अवेलेबल है। तो अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये आप लोग खुद इसकी डिटेल्स अगर देखनी हो तो आप देख सकते हैं। अब होगा क्या कि जब आपने यूज करना है ESP का बेसिक मॉडल, तो पहले तो उसको पावर अप करना होगा यूजिंग 3.3 वोल्ट्स। कुछ लोग क्या करते हैं कि अब हमने, क्योंकि बेसिक मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज नॉट ए डेवलपमेंट बोर्ड विद लिमिटेड जी आई ओ पिन, तो वी विल यूज दिस मॉडल ओनली फॉर वाईफाई कनेक्टिविटी। और आर्डुइनो का हम कोई बोर्ड यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस वी हैव यूज आर्डुइनो ऊनो फॉर कनेक्टिविटी टू ESP, एंड देन द ESP विल फर्दर कनेक्ट टू द वाईफाई नेटवर्क। तो आर्डुइनो ऊनो को हमने इसके साथ कनेक्ट किया। कुछ लोग क्या करते हैं, आर्डुइनो ऊनो की पिन 3.3 वोल्ट को ही इसकी सप्लाई बना देते हैं इस मॉड्यूल की, मगर वो गलत बात है, क्योंकि अगर आप इसको 3.3 वोल्ट की अलग से सप्लाई दें जिसका करंट कम अज़ कम 500 mA हो, क्योंकि ये मॉड्यूल ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है, आर्डुइनो दे नहीं सकता इतना करंट, इसकी शायद पिन जो है 50 mA तक देती है। तो आप लोगों ने इसके लिए सेपरेट यूज़ करें सप्लाई। अब इस केस में हमने क्या किया, एक सप्लाई यूज़ की जो आर्डुइनो को भी दे रही है वोल्टेज, और साथ इसके वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ किया 3.3 वोल्ट का, और इस 3.3 वोल्ट ने इस सप्लाई वोल्टेज को रिड्यूस किया 3.3 लेवल पर, रेगुलेट कर लिया, और उसके बाद हमने यह रेगुलेटेड वोल्टेज इस IC मॉड्यूल को दी, और इसमें आर्डुइनो और इसका ग्राउंड हमने कॉमन किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अब हमने करना क्या, आर्डुइनो के एक ट्रांसमिशन लाइन और रिसेप्शन लाइन इस मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करनी है, मगर अगेन फॉर ट्रांसमिशन लाइन वी नीड 3.3 वोल्ट सिग्नल फॉर TTL लॉजिक, नॉट 5 वोल्ट। तो आपने फिर अगेन वोल्टेज डिवाइडर का स्कीम यूज़ की, कोई भी दो रेजिस्टेंस के वैल्यू, फॉर एग्जांपल 180, 330 ओम्स लेके, या कोई जो आपका वैल्यू कैलकुलेट कर लें वो यूज़ करके आपने ये ट्रांसमिशन लाइन का भी वोल्टेज ड्रॉप करवाना है वोल्टेज डिवाइडर लगा के, और उसको 3.3 से ऊपर ना जाने दें। वैसे तो 3.6 तक जा सकता है, मगर कोशिश करेंगे 3.3 या 3.4 तक बस रहे। तो ये हमने वोल्टेज डिवाइडर यूज़ किया। अब इसके कनेक्शंस इस तरह करने हैं कि होगा क्या कि आर्डुइनो जो है वो इसको सीरियली AT कमांड्स देगा, और आगे से ये डिवाइस फिर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जब तक हम इस डिवाइस को प्रोग्राम ना करें तो AT कमांड्स का फर्मवेयर इसमें बिल्ट इन आता है,
मगर अगर आप इसको इरेज कर देंगे तो आपको वो 80 कमांड्स का फर्मवेयर दोबारा से इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या किया कि आर्डुइनो के थ्रू इसको देंगे 80 कमांड्स और ये फर्दर फिर ऑपरेशन करेगा, और आर्डुइनो हमारा कनेक्टेड होगा पीसी के साथ, तो सीरियल मॉनिटर पे वो डाटा भी आर्डुइनो डिस्प्ले कराता जाएगा। तो अब इस केस में हम ये कह रहे हैं कि आर्डुइनो का जो हार्डवेयर यूआर्ट है दैट विल बी यूज्ड टू फॉर कनेक्टिविटी टू लैपटॉप और आर्डुइनो आईडी हार्डवेयर यूआर्ट, मतलब जो हार्डवेयर बिल्ट इन इसकी ट्रांसमिशन और रिसेप्शन लाइन है दैट विल बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विद लैपटॉप। और इसके बाद हमने खुद इसका एक सॉफ्टवेयर यूआर्ट बनाया। सॉफ्टवेयर यूआर्ट का क्या मतलब है, कोई भी दो पिंस को ट्रांसमिशन और सी रिसेप्शन लाइन फॉर यूआर्ट बना के और उसके थ्रू डाटा ट्रांसमिट कराया। तो सॉफ्टवेयर यूआर्ट के थ्रू हमने इस डिवाइस के साथ कनेक्ट किया और ये हार्डवेयर यूआर्ट के साथ हमने पीसी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये कुछ कमांड्स हैं, एटी प्लस सी आई पी मक्स इज इक्वल टू वन। तो ये पूरी कमांड हमने इसी स्ट्रिंग में डिवाइस को सेंड करनी है, और ये करेगा क्या, इनेबल सिंगल और मल्टीपल कनेक्शन टू द वेब सर्वर। मल्टीपल कनेक्शन इज अ गुड ऑप्शन इफ यू आर रिपीटेडली सेंडिंग आउट और रीडिंग डाटा फ्रॉम द इंटरनेट। तो ये हम जब कनेक्शन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं मल्टीपल, क्योंकि हमने बार बार कनेक्शन पे डाटा रीड करना होता है। यूनी के एक पैकेट रीड किया और फिर डिसकनेक्ट कर दिया। एटी प्लस सी डब्ल्यू मोड इज इक्वल टू थ्री। सेट वाई फाई मोड वन, सेट वाई फाई मोड वन इज स्टेशन मोड, टू इज एक्सेस पॉइंट मोड एंड थ्री इज एक्सेस पॉइंट प्लस स्टेशन मोड। तो ये हमने ये कमांड जब यूज की तो हमने थ्री यूज किया और इससे ये दोनों मोड्स में काम करेगा। एटी प्लस सी डब्ल्यू जे ए पी, ये पूरी स्ट्रिंग हमने देनी है, एस एस आई डी का भी, पासवर्ड का भी। कनेक्ट टू योर वाई फाई, प्रोवाइड योर एस एस आई डी नेम एंड पासवर्ड इन साइड द डबल कोट्स। तो जब ये इस तरह हम स्ट्रिंग देते हैं तो ये आगे से जो ई एस पी 8266 है वो रिस्पॉन्स एक सेंड करेगा, वो ओके कुछ जगहों पे सेंड करेगा, कुछ पे सिम्बल्स कुछ करेगा। तो हमने इसका रिस्पॉन्स रीड करना होता है ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो इसको स्ट्रिंग या कमांड दी वो उसने उसने उसको रिकग्नाइज कर लिया और आगे से फिर रेडी हो गया या कनेक्शन कर दिया। तो रिस्पॉन्स हमने खुद पहले सीरियल पे हम ट्रांसमिशन करते हैं ये डाटा स्ट्रिंग के फॉर्म में, फिर उसका रिस्पॉन्स रीड करते हैं कि अब उसने क्या किया। 80 प्लस सी आई एफ एस आर, दिस रिटर्न्स द आईपी एड्रेस ऑफ द मॉड्यूल इंडिकेटिंग दैट इट हैज सक्सेसफुली कनेक्टेड टू योर आई। तो जब आपने ये कमांड दी, अब इसका रिस्पॉन्स प्रॉपर जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट आपको दिखाया था 80 कमांड्स का, उसमें उसका पूरा रिस्पॉन्स है, स्पेसिस कितनी है रिस्पॉन्स में और स्पेशल सिम्बल्स क्या हैं, तो वह हमें सारा कुछ उस तरह देखना पड़ता है। 80 प्लस सी आई पी स्टार्ट इज इक्वल टू 0 टी सी पी डब्ल्यू 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 डॉट टीच माइक्रो डॉट कॉम 80। तो ये एक वेबसाइट का एड्रेस है जिससे ये हम लोगों ने थोड़ा सा डाटा लिया है। और ये क्या करेगा, जब आपने ये कमांड यूज़ की तो ये किसी भी वेबसाइट जिसके साथ आपने कम्युनिकेट करवाना है ये उससे कनेक्ट करता है, टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है एक स्पेसिफिक पोर्ट पे, दिस इज़ द पोर्ट नंबर, और ये टीसीपी और ये कनेक्शन आइडेंटिफिकेशन है। आप इसमें जित जीरो एक कनेक्शन है फर्स्ट दूसरा हो जाएगा तो इसको आइडेंटिफायर कोई भी कनेक्शन को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अब टीसीपी आईपी ये अलग से एक टॉपिक है जिसको अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपने कनेक्शन बनाना है तो आपको थोड़ी सी डिटेल्स इसकी पढ़नी पड़ेंगी। 80 प्लस सी आई पी सेंड 0.16, अब ये एक एग्जाम्पल है कि आपने इसके बाद डाटा जो है वो सेंड करना है किसी वेबसाइट को, तो अब आपने क्या करना है, ये वाली कमांड यूज़ करनी है। इसमें ये कनेक्शन किस कनेक्शन पे डाटा सेंड करना है और 16 इज़ द लेंथ और द नंबर ऑफ करेक्टर्स टू बी सेंट, ये नंबर ऑफ करेक्टर्स है, ये चेंज हम करते हैं जितना। तो हम जब ये कमांड सेंड करते हैं तो ई एस पी 8266 रिप्लाई करेगा इस करेक्टर के साथ और वो बताएगा कि अब हम मैं वेट कर रहा हूँ, जो तुमने डाटा सेंड करना है वो एंटर करो। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें वो डाटा सेंड करना है। और जो भी डाटा सेंड करना है वो हमने स्ट्रिंग में लिखना है, तो ये मॉड्यूल हमें बताएगा कि सेंड ओके का सिग्नल देगा। तो ये जितना भी डाटा जो सेंड करना है ना, इसकी लेंथ करेक्टर्स में और फिर करेक्टर्स के बाद एक नेक्स्ट लाइन, मतलब लाइन फीड प्लस कैरेज रिटर्न, टू प्लस टू मोर करेक्टर्स। तो इतनी जो स्ट्रिंग के अंदर डाटा है
और फिर आखिर में दो और करके तो टोटल जो बनेगा वो इसमें आपने डालना है। ये मगर इस तरह नहीं होता, ये पहले हमें सीरियली इसको देखना पड़ता है, सीरियल मॉनिटर से ये कमांड एंटर करनी पड़ती है, फिर देखते हैं रिस्पांस उसका क्या आ रहा है, फिर एक एक करेक्टर काउंट करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, पहले डीबगिंग करनी पड़ती है इसके लिए। अब इसमें हमने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा, सॉफ्टवेयर सीरियल स्पेस माई सीरियल 1011, 1011 वाली पिंस को हमने सॉफ्टवेयर यूआर्ट बना दिया और माई सीरियल का एक जो है वो फंक्शन बना दिया, वॉइड स्पेस इंट स्पेस एलईडी पिन 13, वॉइड स्पेस ये एक वेरिएबल बनाया इसके अंदर 13, ये आपसे पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह हम वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू हमने स्टोर करा दी। वॉइड स्पेस सेटअप पिन मोड 13 पिन को आउटपुट बनाया, सीरियल डॉट बिगिन कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर दी, और इसमें हमने क्या किया कि ये पीसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है और सीरियल मॉनिटर पे अब डिस्प्ले होगा, स्टार्ट द सॉफ्टवेयर सीरियल कम्युनिकेशन विद ईएसपी डॉट। अब ये जो हमने बनाया हुआ है माई सीरियल का ऑब्जेक्ट, ये अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा और ये कम्युनिकेशन करेगा विद ESP8266 थ्रू पिन 10 एंड 11, एंड दिस इज अ सॉफ्टवेयर यूआर्ट सीरियल डॉट प्रिंट। अब हमने ये सीरियल डॉट प्रिंट मॉनिटर के ऊपर, अब ये सीरियल डॉट प्रिंट जब भी हम यूज करेंगे, प्रिंट एलएन का मतलब है कि ये सेंड करके और साथ नेक्स्ट लाइन का करेक्टर भी सेंड करे, और सिंपल प्रिंट क्या करता है, सिंपल प्रिंट करता है नेक्स्ट लाइन नहीं सेंड करता है। तो हमने जब भी करना है सीरियल मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा, सीरियल डॉट प्रिंट इन रिमेंबर टू प्रिंट एल एन रिमेंबर टू सेट बोथ एन एल एंड सी आर इन द सीरियल मॉनिटर। तो आपको ये बता रहा है कि जब आप सीरियल मॉनिटर की कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसमें एक चेक करें ऑप्शन कि एन एल एंड कैरिज रिटर्न बोथ रिमेंबर टू सेट बोथ, मतलब ये कि सीरियल मॉनिटर में जब भी मैं खुद कोई करेक्टर एंटर करूं तो उसमें न्यू लाइन और कैरिज रिटर्न वो डाले साथ, सीरियल डॉट प्रिंट एल एन रेडी। और तो ये सारा लिखा हुआ आ जाएगा इस पूरे प्रोग्राम के बाद, और फिर कॉन्टिन्यूस लूप में क्या करेगा कि वो कम्युनिकेशन, दिस प्रोग्राम विल लिसन फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम ESP8266 एंड देन राइट टू द सीरियल मॉनिटर इफ माई सीरियल डॉट अवेलेबल। ये चेक कर रहा है कि कोई डाटा रिसीव किया, सीरियल डॉट राइट माई सीरियल डॉट रीड, तो जो भी डाटा ESP से रीड किया इसने यूआर्ट के थ्रू वो सीरियल मॉनिटर पे राइट करे और आपको वो नजर आ जाए। और इसके बाद इफ सीरियल डॉट अवेलेबल, अगर आपने खुद सीरियल मॉनिटर में कोई डाटा एंटर किया माई सीरियल डॉट राइट सीरियल डॉट रीड, तो माई सीरियल डॉट राइट जो सॉफ्टवेयर यूआर्ट का राइट वाला फंक्शन यूज करके जो भी आपने सीरियल डाटा खुद एंटर किया है उसको ये ESP8266 को सेंड कर दे, मतलब ये कि अगर मैं कोई AT कमांड एंटर करूँ तो वो ESP को सेंड कर दे, और ESP का अगर कोई रिस्पांस आए तो मुझे सीरियल मॉनिटर पे शो कर दे। तो हमने अब आर्डुइनो को यूज़ करके ये सिंपल प्रोग्राम क्या कर रहा है कि आप AT कमांड सीरियल मॉनिटर पे एंटर करें और आर्डुइनो उसको ESP को देगा और इसका रिस्पांस AT का जो भी आएगा, जो वो रिस्पांस देगा डिवाइस आगे से AT कमांड के अगेंस्ट, वो आपको सीरियल मॉनिटर पे डिस्प्ले कराएगा। तो दिस कोड इज़ ए वेरी यूजफुल कोड फॉर डीबगिंग पर्पसेस। तो हम इसको सिंपल कोड को यूज़ करके AT कमांड्स को यूज़ करते हैं, डिवाइस को हम कमांड देते हैं और उसका रिस्पांस फिर जो भी आता है हम उसको नोट करते हैं। तो इस तरह हम AT कमांड्स के थ्रू उसको ऑपरेट करवा के चेक कर सकते हैं कि ये कैसे हम AT कमांड्स देंगे। अब होगा क्या कि पहले हम ये सारा चेक करेंगे खुद सीरियल मॉनिटर के थ्रू AT कमांड्स देके, और फिर क्या होगा सेम वही AT कमांड्स फिर हम आर्डुइनो के थ्रू देंगे, जब हम चेक कर लेंगे कि कैसे AT कमांड्स देंगे और रिस्पांस क्या आएगा, देन दोज और AT कमांड्स विल बी सेंट थ्रू आर्डुइनो। तो ये अब ये जो आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो ये कर सकता है, मगर अगर नहीं है तो इससे पहले जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से, बातें जो मैंने आप लोगों से पहले डिस्कशन की है कि ब्लिंक को कैसे यूज़ करके आप लोग IoT कनेक्टिविटी बना सकते हैं,
आप लोग यहाँ उन्हीं ऐप्स पर रहें, और इसके लिए थोड़ी सी वेब प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, PHP, HTML, और कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि वो TACP कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश होता है, व्हाट इज़ UDP, व्हाट इज़ TCP सॉकेट, व्हाट इज़ सॉकेट इन TCP कनेक्शन। सो दीज आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व्ड हेयर। तो अभी मैं सिर्फ ऐसे करता हूँ कि इसके रफ स्केचेस आपसे शेयर करूँगा, अगर किसी ने फर्दर इस पे कुछ काम करना है तो वो कर सकता है। इन प्रोग्राम्स के थ्रू, इन प्रोग्राम्स में आपको काफ़ी चेंजेस करनी पड़ती हैं आफ्टर डीबगिंग, तब ये चलेंगे जाके, ये इस तरह डायरेक्ट नहीं चलेंगे। तो अभी हम सिर्फ इसका ज़रा देखते हैं कि क्या हम लोग करते हैं। अब ज़रा हम लोग कर रहे क्या हैं कि ये सॉफ्टवेयर शॉर्ट सीरियल हमने यूज़ किया, और स्टार्ट में क्या किया कि सीरियल डॉट बिगिन, ये वही सीरियल डॉट बिगिन सीरियल मॉनिटर पर डिस्प्ले करेंगे जो भी कम्युनिकेशन जो भी हमने किया, मतलब जो भी हमने कमांड अगर एंटर करनी है या कोई रिस्पांस शो करना है तो सीरियल मॉनिटर के लिए सीरियल डॉट बिगिन को रखा, और सॉफ्टवेयर सीरियल को रखा फॉर ESP8266। तो ESP8266.begin 9600, इसमें हमने ना एक लाइब्रेरी भी ऐड करनी है ESP8266 की, वो बल्कि रहने वो ठीक है, वो लाइब्रेरी इसके लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये नोड एमसीयू नहीं, हम बेसिक मॉडल पे भी काम करें, तो इसमें हमने ये सारे फंक्शंस खुद ही लिखने हैं। सीरियल डॉट प्रिंट एल एन, ये हमने सिंपल स्पेस है, कुछ भी नहीं है, प्रिंट एल एन रेडी। तो स्टार्ट में वही सारा काम, ये रेडी के मैसेज जो है वो डिस्प्ले कराएगा, और ESP के साथ सीरियल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। कोशिश करें कि इसका डाटा रेट 115 वाला ही रखें, और 9600 पे कई दफ़ा ये प्रॉब्लम कर रहा होता है। सीरियल डॉट प्रिंट एल एन इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन टाइप, तो ये हमने सीरियल मॉनिटर पे डिस्प्ले कराया ESP8266.println। अब देखें, ये तो हम सीरियल मॉनिटर पे डिस्प्ले करा रहे हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, ये सॉफ्टवेयर यूआरट के थ्रू एटी कमांड सेंड कर रही है ESP8266। तो ये CIP मक्स जो एटी कमांड मैंने अभी आप लोगों को स्टार्ट में बताई थी कि ये मल्टीपल कनेक्शंस हैं या सिंगल कनेक्शन जो TCP/IP के लिए हमने यूज़ करना है, तो ये हम उसके लिए मल्टीपल कनेक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पहले हमने कमांड्स डिस्कस की थी, उसके बाद डिले दिया 100 मिलीसेकंड्स का, फिर नेक्स्ट उसको कमांड। अब सीरियल डॉट प्रिंट इन, प्रिंट हमने कर दिया सीरियल मॉनिटर पे ताकि आपको पता लगे कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेटिंग वाईफाई मोड। ESP8266.println AT+CMCW मोड इज इक्वल टू 3। ये प्रिंट एल एन क्या करते हैं, ये सीरियल डाटा ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो इसके बाद हमने अपना ESP का मोड सेलेक्ट किया, इन दिस मोड द ESP विल एक्ट बोथ एज स्टेशन एंड एक्सेस पॉइंट, अगेन नेक्स्ट डिले इज जनरेटेड, उसके बाद फिर से डिले। तो ये अब सारी हम कॉन्फ़िगरेशन ESP की कर रहे हैं। सीरियल डॉट प्रिंट एल एन कनेक्टेड टू वाईफाई, उसके बाद हमने ये नेक्स्ट इसको दिया वाईफाई का आईडी और पासवर्ड, उसके बाद फिर डिले। तो ये सारा एक सीक्वेंस में हम TCP कनेक्शन पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और इसके बाद हमने क्या किया कि उसको डाटा सेंड कर रहे हैं। अब AT+CIP सेंड कनेक्शन, ये हमने बताया कि इस वेबसाइट के साथ हमने कनेक्शन करना है पोर्ट 80 पे, और इसमें हमने सेंडिंग आउट डाटा AT+CIP सेंड इज इक्वल टू 0,16। अब इसमें देखें, ये हमने कहा डाटा सेंड कर रहे हैं, और प्रिंट एल एन, ये जो अब हम नेक्स्ट करेक्टर्स को प्रिंट करेंगे, तो ये डाटा जब हम सेंड करते हैं इसमें, अब ज़रा एक जगह एक मिस्टेक है इस कोड में, ये कोड जो है वो ये डिफरेंट जगहों पे अवेलेबल है, तो ये इस वेबसाइट पे भी अवेलेबल है जो मैंने जिसका नाम लिखा है इस पे, और भी आपको कुछ हेल्पिंग मटेरियल मिलेगा, इसलिए मैंने इसको साथ इसी में इंक्लूड किया। मगर इसमें एक मिस्टेक ये है कि जब हमने ये इस कमांड सेंड की तो रिस्पॉन्स नहीं दोबारा से देखा, ठीक है, और नेक्स्ट डाटा वैसे ही सेंड कर दिया। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स लें, मतलब रिसीव करें करेक्टर्स, और देखें वो करेक्टर्स क्या रिसीव किए हैं, क्या इसने कमांड ESP826 ने ये एक्सेप्ट कर लिया। अब नेक्स्ट करेक्टर्स क्या हैं, 1, 2, 3, 4 स्पेस 4, 5 स्पेस 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 are the characters, and 15 is new line, 16 is carriage return. तो ये carriage return और new line के भी हमने characters जो है वो डाल दिए. तो ये total 16 हमने दिए कि हमने 16 characters अब send करने हैं और इस connection पे send करने हैं. और जो करेक्टर्स हमने सेंड किए गेट HTTP 1.1, ये एक गेट और पोस्ट की ना ये रिक्वेस्ट होती है. गेट हम उस वक्त करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन माय लैपटॉप इज कनेक्टेड कनेक्टेड टू सम वेबसाइट एंड इट डिस्प्लेज सम वेब पेज फ्रॉम ए स्पेसिफिक वेब सर्वर, देन द फंक्शन और द रिक्वेस्ट दैट आई हैव यूज्ड इज गेट रिक्वेस्ट. तो मैं जब वेब साइट से कोई डाटा डिस्प्ले करता हूँ अपने लैपटॉप पे, उस केस में मैं गेट कर रहा होता हूँ डाटा. और जब मैं किसी वेबसाइट में डाटा एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल किसी जगह पे मैंने एंटर किया, सर्च बार में कुछ एंटर किया, तो मैं पोस्ट करता हूँ डाटा, पोस्ट. जब हम खुद उसको डाटा देते हैं तो पोस्ट, और जब लेते हैं तो गेट. तो गेट और पोस्ट का स्पेसिफिक फॉर्मेट है, किस तरह यूज़ करते हैं. ये HTTP का है, 1.1 का क्या मतलब है कि आप बार बार उससे डाटा रिसीव और सेंड एक ही कनेक्शन पे कर सकते हैं. तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं. और ये क्या है, ये सारी प्रोग्रामिंग डिटेल्स हैं इसकी, HTML की, और कुछ जगहों पे PHP यूज़ होती है. इसको हम अभी नहीं करते हैं कंसिडर क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है. ऑल्सो दिस प्रोग्रामिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ आर कोर्स. तो ये मैंने आपको सिर्फ बताया कि ये ऐसे ही अब हमने प्रोग्राम इसमें लिखना है जैसे कोई लैपटॉप या कोई कनेक्टेड है. तो ये हम सब एम्बेडेड में असल वाली कमांड्स दे रहे हैं. तो अब ये उसको ये इस वेबसाइट को देगा ये गेट का. और अभी क्योंकि ये कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि हमने कोई इस पे स्क्रिप्ट वगैरह रन नहीं किया हुआ, तो ये सिंपल शो किया इफ यस पीरियड 266 डॉट अवेलेबल सीरियल डॉट राइट माई सीरियल डॉट रीड. तो अगर कोई रिस्पॉन्स वहाँ से आता है, मतलब ये कि अगर UART ने रिसीव किया है, तो वो हमें सीरियल मोनिटर पे हमारा प्रोग्राम दिखा देगा. ठीक है, तो ये सिंपल एक हमने उसको कमांड सेंड किया है एक वेबसाइट को, उधर से रिस्पांस देखा. ये सिंपल कोड ये कर. अब अगर डाटा सेंड डाटा टू अ वेब पेज, टू सेंड डाटा टू बी पोस्टेड ऑन अ वेब पेज वी नीड अ पोस्ट PHP स्क्रिप्ट दैट विल कैच द डाटा सेंड थ्रू द ESP8266 मॉड्यूल. देयर आर 100 वेज टू दिस इज, बट दिस इज हाउ आई इंप्लीमेंटेड इट ऑन अ सर्वर. आई क्रिएटेड अ read.php फाइल दैट कंटेन्स दिस. तो ये जिस वेबसाइट का मैंने नाम लिखा उसी में ये जो एग्जाम्पल पड़ी हुई है इस कोड की, ठीक है, तो वो बता रहा है कि मैंने एक सर्वर के ऊपर read.php का स्क्रिप्ट डाला. सर्वर का क्या मतलब है, जैसे आप एक फ्री वेबसाइट बनाते हैं किसी जगह पे, तो मैंने जब फ्री वेबसाइट बनाई तो मुझे उस जगह पे मुझे सर्वर बनाने के लिए स्पेस मिल गई. अब मैं वहाँ पे अपने स्क्रिप्ट्स वगैरह लोड करता हूँ और जब लोग उसका एंटर करते हैं एड्रेस, तो वो उनको फिर जो है वो वेब पेजेस में डिलीवर करता हूँ या कुछ भी उनकी कमांड या रिक्वेस्ट को देख सकता हूँ. सो ए फाइल read.php इज लोडेड ऑन दैट वेब सर्वर जो आप लोगों ने जो फ्री में लिया और जिसका आपके पास एड्रेस है, और वो स्क्रिप्ट कुछ इस तरह का. अब इसको इसकी भी प्रोग्रामिंग अलग है PHP की, और इसको रन करने के डिफरेंट इंजन हैं. तो ये करेगा क्या कि पोस्ट की रिक्वेस्ट इसके पास आई, तो ये पोस्ट जो भी वैल्यू कोई प्रोग्राम या डिवाइस इसको देना चाह रहा है, वो वैल्यू ये रिसीव करेगा, उसको टेक्स्ट फाइल में राइट करेगा वैल्यूज डॉट टेक्स्ट के नाम से, फाइल को एक लोकेशन में सेव करेगा. उसके बाद ये करता क्या है, उस फाइल को ओपन करेगा और राइट करने के लिए, और कोई भी पहला जो कंटेंट है उसको नई वैल्यू से रिप्लेस कर देते. तो ये कह रहा है क्या, एक वैल्यू ले रहा है, रिसीव कर रहा है, और उसको एक फाइल में राइट कर रहा है, और वो फाइल फिर अपने पास सेव कर लेता है वेब सर्वर के ऊपर. इसके बाद ये एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी, व्हाट दिस स्क्रिप्ट डज इज एक्वायर ए पोस्ट वेरिएबल वैल्यू एंड राइट इट ऑन ए डायनामिकली क्रिएटेड टेक्स्ट फाइल. पोस्ट इज वन ऑफ द वेज टू सेंड डाटा टू एन HTTP सर्वर. हियर इज एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट रिक्वेस्ट दैट वेब ब्राउजर में सेंड. अब पोस्ट किस तरह ये रिक्वेस्ट सेंड करता है, ये अभी एक पोस्ट रिक्वेस्ट है कि पोस्ट लिखा उसके बाद स्लैश read.php,
कि किस वाले स्क्रिप्ट को पोस्ट करना है, और उसके बाद HTTP 1.1, ये बार बार एक ही डाटा सेंड करना है कनेक्शन पे। होस्ट, उस होस्ट का नाम, यूज़र एजेंट, जैसे मोजिला हमारा या फायरफॉक्स होता है। तो ये कंटेंट टाइप के एप्लीकेशन है, ये सारी स्ट्रिंग होती है ये डिफरेंट किस्म के कंटेंट्स के लिए। कंटेंट लेंथ अगर 9 बाइट्स है वैल्यू के, तो अभी हम इसको डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, ये HTTP की सारी प्रोग्रामिंग है, HTML की। तो ये एक पोस्ट की रिक्वेस्ट है। अब ये सारा जो भी लाइंस का कोड है, ये हमने ESP8266 के थ्रू इसको सेंड करना है। तो वर्ड अब ये करता क्या है, जो आगे अब स्केच या प्रोग्राम है, वो A0 एनालॉग पोर्ट को रीड करेगा, और जो भी वैल्यू है उस पे वो पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू किसी वेबसाइट पे सेंड कर रहा है। तो ये स्टार्ट में वही एक सॉफ्टवेयर UART बनाया, और उसके बाद वही कम्युनिकेशन उस तरह हम लोगों ने की जो भी हम लोगों ने पहले की थी। इसके बाद int space ADC value analog read A0, ये एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डिफाइन किया जो एनालॉग वैल्यू क्या रही है। उसके बाद कनेक्शन इस्टेब्लिश किए, जो भी मैंने आप लोगों से डिस्कशन की थी, और सिर्फ चेंज हमारी क्या आएगी कि बाकी सब कुछ वही है। और जब AT+CIP सेंड, अब जो नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं वो ये सारी पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट रीड, PHP, उसके बाद होस्ट, ठीक है, जो आप लोगों ने जिस साइट के ऊपर डाटा सेंड करना है। और यूज़र एजेंट में मोजिला अभिषेक लिखते हैं, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन, कंटेंट लेंथ, ये कितने बाइट सेंड करने हैं, उसके वैल्यू में जो आपने वैल्यू सेंड करनी है। तो ये इसमें थोड़ी सी, इसको इसलिए मैं डिटेल में नहीं कर रहा हूँ कंसीडर, क्योंकि आपका सिचुएशन पे डिपेंड करके स्क्रिप्ट को चेंज करना पड़ता है, फिर चेक करना पड़ता है, फिर डिबगिंग है। तो ये मैंने सिर्फ रफ जो है वो जो प्रोग्राम किया हुआ है, एक एग्जाम्पल थी, उसको डिस्कस किया है कि आपको ये सारी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, तब कहीं जाके आपका डाटा जो है वो वेबसाइट पर डिस्प्ले होता है। और अभी भी ये डिस्प्ले नहीं होगा, अभी क्या होगा, एक और हम PHP फाइल बनाएंगे जो इस वैल्यू को डिस्प्ले करेगी। अब वो क्या कर रही है, अब ये HTML का एक कोड है जिसमें डिस्प्ले डाटा फ्रॉम आर्डुइनो टू वेब, ये एक टाइटल उसने डिस्प्ले किया, और उसके बाद कंटेंट्स को रिफ्रेश करने का कुछ टाइम दिया हुआ है, और इसके बाद टेक्स्ट फाइल वैल्यूज डॉट टेक्स्ट जो सेव की थी स्क्रिप्ट ने, इसने ओपन की, उसमें से वैल्यू रीड की, ठीक है, और उसके बाद वो वैल्यू जो है वो प्रिंट कर रहा है अब उस HTML पेज के ऊपर, ये PHP स्क्रिप्ट। तो ये सारी कोडिंग हमें करनी पड़ी एक छोटा सा वैल्यू सेंड करने के लिए और उसको डिस्प्ले करने के लिए। और ये सारे स्केचेस आपको मिलेंगे टीच माइक्रो, जो जो वेबसाइट है जिसके ऊपर ये कोड्स पड़े। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए डिस्कस किया था कि आप लोगों को आइडिया हो कि हम अगर बेसिक मॉडल के थ्रू प्रोग्रामिंग करते हैं, विदाउट यूजिंग एनी IoT प्लेटफॉर्म्स, एनी बिल्ट इन ऐप्स, ठीक है, तो फिर हमें ये बहुत छोटा कोड है, अभी लंबे लंबे कोड्स लिखने पड़ते हैं। और इसी तरह अगर आप गूगल शीट्स के ऊपर भी डाटा सेव करवा सकते हैं, लॉग करवा सकते हैं, वेब पेजेस बना सकते हैं, अपने ESP8266 को वेब सर्वर की तरह ऑपरेट करवा सकते हैं, तो ये सारा काम हमें करने के लिए कितने ज़्यादा कोड्स और कितनी लंबी कोडिंग लिखनी पड़ी। और अगर हम यही वाला काम अब करते जिसमें हमने जैसे ये ऐप यूज़ की, तो कितना छोटा सा प्रोग्राम था जिसने ये सारा कुछ हमारा जो हमने काम करना था, जिस तरह अगर किसी ऐप पे डाटा डिस्प्ले कराना था तो करवा दिया। तो अभी टाइम के साथ साथ ये ESP8266 का बेसिक मॉडल निकल जाएगा मार्केट से, नए मॉडल्स इसको रिप्लेस कर देंगे जिनकी प्रोग्रामिंग ज़्यादा इजी होगी एज़ कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग मॉडल। तो अभी जो मैंने आपसे ये पोस्ट और ये गेट रिक्वेस्ट, ये आप लोग बेशक ना करें, ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दी है कि कैसे ये होता है। अभी आप लोग सिर्फ ये देख लें कि ये जो ट्यूटोरियल था, हमने कोर्स में वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, मगर क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा इस पे लोग काम करते हैं, तो हम मैंने इसलिए आप लोगों को ये दिया। तो आप लोग बस नोट ESP32 पे भी थोड़ा सा काम करना सीख लें, आर्डुइनो और इसकी आपस में कैसे कम्युनिकेशन है, ब्लिंक को देख लो, और इसके अलावा हाउ टू ESP 8266
ESPs कम्युनिकेट ओवर ए वाईफाई वो देख लें, और इसकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो देख लें। मगर आखिर में यही होता है कि जो हमारी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है हम उसी तरफ जाते हैं, और ज़्यादा जो अभी डेवलपमेंट लोग कर रहे हैं वो ज़्यादा ब्लिंक और इस तरह के आसान आसान प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, क्योंकि टाइम कम कंज्यूम करते हैं और हमारा आराम से काम हो जाता है। मैं अभी इसको क्लोज कर रहा हूँ, बाकी हम डिस्कशन पे कुछ बात करेंगे कि अगर आपको कोई क्वेरीज आई हैं, ठीक है? तो अभी जो है वो अब नेक्स्ट हमारा सिर्फ रह गया एक टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेटरी।